तो हिमाचल में प्रलय आ गया है। बीते दिनों जो है जोरदार बारिश हुई है, दरकते पहाड़ और धंसते घरों के जो वीडियो हैं आप देख सकते हैं। बता दें कि कुल्लू में 8 इमारतें भरभराकर गिर गई हैं, पूरे राज्य में हाहाकार मचा हुआ है। प्रदेश में अगले 2 दिनों तक मौसम बहुत खराब बताया जा रहा है, अगले 2 दिन जबरदस्त बारिश की भविष्यवाणी भी की जा रही है। तो हिमाचल में जोरदार बारिश का सिलसिला जारी है, जबरदस्त बारिश के जो है भविष्यवाणी की गई है, अलर्ट भी है, जो बारिश को लेकर हिमाचल प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। अगर आगामी 5-6 दिनों की फोरकास्ट की बात करें तो देखिए, आज 24 और 25 तारीख को भी प्रदेश के जो मिडिल के डिस्ट्रिक्ट हैं, प्लेन के डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे अभी मतलब स्कैटर टाइप एक्टिविटी होने की संभावना है। और साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट हैं, सोलन, शिमला, सिरमौर है, मंडी, कुल्लू और ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, यहाँ पे 1-2 स्थानों में हैवी रेनफॉल होने की संभावना अभी भी बनी हुई है। आज 24 तारीख को, कल 25 तारीख को इसके लिए हैवी रेनफॉल का येलो अलर्ट जारी किया है। फिर 26 तारीख से प्रदेश में मौसम में बुरे कमी आएगी और इसके चलते केवल जो मतलब प्लेन के डिस्ट्रिक्ट हैं, जो मिडिल डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ कुछ एक स्थानों में ही लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना है। और ये 30 तारीख मतलब 26 से 30 तारीख तक जो पूर्व अनुमान है तो एक्टिविटी में थोड़ी कमी आएगी रिकॉर्ड की गई है। और अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो शिमला में सबसे अधिक डिपार्चर है 103% का, उसके बाद है वो बिलासपुर में है, वहाँ 86% अधिक बारिश हुई है। और अगर मंथ वाइज भी बात करें, इस अगस्त माह की बात करें तो उसमें भी सामान्य से 10% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है और सबसे अधिक मंडी और बिलासपुर में।